हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपका धर्म सर, आप सभी लोग हमारे चैनल भगवती क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए उदाहरण नंबर 6 लेके आया हूँ। 6 और 7 सामने आप देख रहे हैं। तो इसमें हमें दो संख्याओं के बीच में एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, 10, 20 की, मतलब दो संख्याओं के बीच की संख्या को निकालना है। यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सवाल है पहला उदाहरण नंबर 6 कि -2 तथा 0 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। इसमें 5/8 -5/6, 5/8 के बीच 10 संख्या निकालें। संख्या कैसे निकालें इसको ध्यान से समझें, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे आपके एक्सरसाइज में सारे सवाल आएंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एवं बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। आगे अब सवाल पे आते हैं। तो सवाल हमारा क्या है बच्चों कि 2 और 0, जैसे हम देखते हैं तो 2 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 0 आता है। लेकिन यहाँ -2 जो संख्या हमारी होती है, ये 0 होता है, इधर 1, इधर 2 होता है, इस तरह से इधर -1 -2 होता है। तो अगर हम 0 और इसके बीच में देखें तो एक ही संख्या आ रही, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी संख्या, अरबों, खरबों, करोड़ों संख्याएँ हैं। तो इनको कैसे निकालना है? सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, हर संख्या के नीचे 1 लगा देते हैं। ये -2/1 हो गया, और दूसरी संख्या है 0 तो उसके 1/1 हो गया। अब 2/1 0/1 का मतलब ये है, अगर 1 से 2 को भाग देंगे तो वही आएगा, और 1 से 0 को भाग देंगे तो 0 ही आएगा। मतलब देखने में बदल गया, लेकिन मान वही का वही है। अब हमें क्या करना है, इसको 10 से गुणा कर देना है। 10 से कर दो, 5 से कर दो, किसी संख्या से गुणा करो। तो उतनी संख्या निकालनी है 3 से। 3, अगर 3 निकालना है तो उससे एक ज़्यादा 4 से गुणा कर दो। तो इसे हम 4 से गुणा कर देते हैं। 4 से तो ये होगा 8/4, ठीक है। तो इसको भी 4 से ही गुणा करेंगे, और ये तब करेंगे जब नीचे का बराबर होगा। ये नियम तब लगाएंगे, मतलब 3 है तो 4 से गुणा करो, 4 है तो 5 से गुणा कर दो, 5 है तो 10 से गुणा कर, 6 से गुणा कर दो, लेकिन जब नीचे का बराबर होगा तो। और इसके बाद ये होगा 0/4। अब देखो 0 और 8 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, जैसे अभी हमने बताया था। तो ये -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, फिर आएगा 0। अब देखो ये इसके और इसके बीच में इतनी संख्या आपको मिल गई, ये ठीक है। तो कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो तो बीच की संख्या बराबर, अब इसमें से कोई भी आगे बढ़ रहा हो 7/, लेकिन बटे की संख्या वही रहेगी, 7/4। संख्या बराबर -7/4 -6/4 -3/4। 3 ही लिखना है तो 3 लिख दिया, आगे छोड़ दो कोई मतलब। तो -2 तथा 0 के बीच 3 परिमेय संख्या, ये बराबर हो गया -7/4 -6/4 -3/4। आप इसको भी लिख सकते हो, 4 को भी, 5 को, किसी को ले सकते हैं। 3 हमें लेना था, हमने 3 ले लिया, सॉरी यहाँ 5 कर दो सीरीज में, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह हम इसमें करेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए था। यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन का ये हल क्या है कि यहाँ पर 5 -5/6 है, तो क्या करना देखना, और ये है 5/8। अब यहाँ 5 और -5 के बीच संख्या तो ले सकते हैं, लेकिन सवाल संख्या 10 लानी है। कितनी संख्या है यहाँ पर, 10 संख्या लानी है। और दूसरी संख्या बात यह है कि यहाँ पर ये हर बराबर नहीं है, 6 और 8 बराबर ही नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं, तो इसको बराबर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 6 और 8 को बराबर लाने के लिए इसका लघुत्तम लेते हैं। तो 6 तथा 8 का एलसीएम होगा 24। तो सबसे पहले इसको ऐसी संख्या से गुणा कर दो कि 24 बन जाए। तो इसको 4 से गुणा कर दो तो ये हो गया 20/24, और इसको 3 से गुणा कर दो तो ये हो गया 15/24, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, नीचे का बराबर होना जरूरी है, नीचे का बराबर आ गया। अब 15 और 20 के बीच में कोई 4 संख्या आती है, तो हमारे पास है नहीं, लाना कितना है, 10 है। तो हमने बताया या तो 10 से ज़्यादा एक करके 11 से गुणा कर दो पुनः, और या इस किसी और संख्या से गुणा कर दो कि जिसके बीच में 10 संख्या आ जाए। तो आसान यही है कि हम इसको दोबारा से
10 से गुणा कर देते हैं तो ये हो गया माइनस 200 बटा 240 और इसको 10 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 150 बटा 240। अब नीचे का बराबर आ गया 150 200 के बीच में, तो बीच की संख्या कौन सी हो गई? संख्याएं। अब आपको 10 संख्याएं लेनी है तो कोई भी ले लो, 200 के बाद 100 आता है 99, माइनस है तो इसे इधर से शुरू करोगे तो बढ़ेगा, प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, तो आप यहाँ से ले लो क्योंकि आगे संख्या यही है। 199 बटा 240, 198 बटा 240, 197 बटा 240। आपका आंसर कुछ और हो, किताब में कुछ और लिखा हो, ये सब है एक, क्योंकि मैंने बताया दो संख्याओं के बीच में लाखों करोड़ों संख्याएं होती हैं, तो सारी संख्याएं उसी के अंदर में आती हैं। और ये माइनस 196 बटा 240, तो ये 10 बीच की 10 संख्याएं लिख दो, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर माइनस 195 बटा 240, माइनस 194 बटा 240, माइनस 193 बटा 240, माइनस 192 बटा 240, माइनस 191 बटा 240, माइनस 190 बटा 240, 10 हो गए। आगे और इसको नहीं लिखना, इसके आगे की लिख लो, 150 के बाद 151, 152, 153, इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब ये सारी संख्या इस दोनों संख्याओं के बीच में ही आती है। तो आपको आंसर समझ में आ गया, ये आपका आंसर है और इधर ये आंसर है। चल एग्जाम्पल नंबर 8वां है, उदाहरण 8वां है, 1/4 तथा 1/2 के मध्य एक पर वे संख्या ज्ञात करनी, खाली एक ही संख्या जब ज्ञात करना है तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना। तो 1/4 तथा 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या, तो क्या करना है आपको, 1/4 जमा 1/2 बटे 2 कर देना, इस तरह से यह आंसर हो जाएगा, यह हर है। अब पहले इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना, 2 एकम 2, ऐसे 4 एकम 4, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर नीचे का गुणा नीचे, और 4 2 8, और बटे ये 2 है, इसके बटे 1 लगा दो, ये मेन लाइन हो गई, ये वाली लाइन जो है मेन लाइन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये वे बन जाएगा 4 2 6 6/8 हो गया, 4 2 6/8, इसको उल्टा कर देना तो ये बन जाएगा 1/2, ये 2/1 है, जब ये साइन हटाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, गुणा का निशान आ जाएगा, 2 से ये कट गया और ये बराबर हो गया 3 एकम 3/8, ये आंसर आ गया। अगर दशमलव में हम इससे इसको भाग दें, इसको भाग दें और इसको भाग दें, तो इन दोनों के नंबरों के बीच में जो संख्या आएगी वही आएगी, यही आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही सवाल है, 1/4 और 1/2, तो सबसे पहले हमने बताया था कि इसके हर को बराबर कर लो, या तो यही तरीका लगा लो, 3 बार करके निकाल लो, और या तो सीधी बात है कि सबसे आसान तरीका वही है कि पहले इसको हम 1 से गुणा कर देते हैं, ये बना 1/4, और इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो 2/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे बराबर आ गया, हमने बताया कितनी संख्या निकालनी है, 3, तो 3 से ये ज़्यादा, अब इसको 4 से गुणा कर दो दोबारा से, इसको भी 4 से कर दो, तो ये हो गया 4/16 और ये हो गया 8/16। अब 4 के बाद 5 6 7 और 8 आ गया, तो 1/4 तथा 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्याएं बराबर हो गई, कौन कौन सी है, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5/16, 6/16 और 7/16, उसके बाद 8 आ ही जाता है। और ये दोनों संख्या देखो, 4 से ये ज़्यादा है और 8 से ये कम है, मतलब ये तीनों संख्या इन दोनों के बीच में आ रही है, और ये आपका आंसर आ गया, यही निकालना था आपको, ठीक है बच्चों। तो पसंद आए चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और तथा लाइक शेयर कमेंट और